तुम क्या हो जा, तुम कौन हो? अच्छा बेबी ना सिर्फ करो ना, ना क्या ना करो, ना क्या ना करो, क्या ना करो, ना तो ना करो, आपको हाथ कोई लिमिट होती है ना किसी चीज की? इतना कमीना, इतना बेहिजाब भाई, मैं तो दुख से मर जाऊँ तो अच्छा है, मेरे माँ बाप को ला दो। ठीक हो जो हुआ ना, मैं आपको बोलता हूँ, ये मेरा बेटा खड़ा है जिसने हाथ पकड़ के कहे मामू आप क्या कर रहे हैं, मामू आप क्या कर रहे हैं, उसने उसके अल्फाज से सारा कुछ राशि तुम्हारा किया था। उसने कहा मैंने क्या किया? वो कहते हैं तुम फूके मारते रहते थे, पूरी फिक्र सुनो मेरी, मैं ऐसे नहीं इसको कह रही, इजराइली है। वो कहते हैं कि तुम फूके मारते रहते थे। मैंने कहा क्या फूके मारते थे? ये दुरूद शरीफ पढ़ता है। कहते यही तो काम गलत करता है। मैंने कहा ये दुरूद शरीफ पढ़ता था? नहीं बस बस क्या, अब ये बताओ तो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ये कहे कि तुम गलत करते थे, वो यहूदी है इजराइली है कि नहीं, वो गजा पे अटैक करने वाला है कि नहीं, ये वजाहत हुसैन है मेरी माँ बाप की औलाद, मैं शर्मिंदगी से मर जाऊँ तो मेरी अच्छा लगे क्या? मैंने कहा ये दुरूद शरीफ पढ़ता, कहता है ये तो काम गलत कर रहे हैं, अब इसको इजराइली कहूँ कि नहीं कहूँ, आप बताएं मुझे सर, आप बताएं। नहीं सुना था कि इन्होंने 50,000 वोट ले लिया इलेक्शन कमीशन से, हमने कहा ये हमें मुबालिग है, इस तरह नहीं हो सकता कि 50,000 वोट की कहानी पता लग गया। मैंने कहा मैं गलत खबरें मिल रही, मैंने कहा मैं गलत खबरें मिल रही, आपने जरूर चलाना ये दुरूद शरीफ वाली बात, और इसराइली जो उसका मैंने यहूदी का ये आपने जरूर करनी दुरूद शरीफ की बात पे जो कह रहे हैं आप बताएं वो इसराइली होएगा कि नहीं होएगा, आप मुझे बताएं, सिर्फ इस बात का कोई मुझे जवाब नहीं। जो मेरे भाई ने पूछा है वो आपका भी मुसलमान फर्ज बनता है कि आप उसको चलाएं, आपको पता लगे कि इस मुल्क में इस शहर में किस तरह के जालिम और काफिर किस्म के लोग बस रहे हैं, ये आपका फर्ज है। ये दुरूद शरीफ वाली बात जो उसने की है तो उसने कहा कि यही तो गलत करते हैं, जबर तो जुलम तो बहुत छोटे लफ्ज़ होंगे जिस चीज़ के लिए कोई दुनिया की डिक्शनरी में आपको कहीं से लफ्ज़ मिला तो मुझे आके बताओ।